कॉफी लाई हूँ आपके लिए। क्यों खड़ी हो मेरे सर पे? क्या बात है? यारेन खानम, उनको नाश्ता देने गई थी तो उसने बहुत इसरार किया कि दादा से मिलना है। उसने कहा बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। दादा, मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। बता चुका हूँ तुम्हारा दादा नहीं हूँ मैं। तो फिर आप क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हारे साथ आखिरी बार बात करने के लिए आया हूँ। तुम 3 दिन के अंदर अंदर इस घर से और हमारी जिंदगियों से चली जाओगी। मैं जब तक मर नहीं जाता उस वक्त तक तुम इस घर में लौट कर नहीं आओगी। मतलब कि आपने मुझे बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे ही सही। यारेन को घर से निकालकर आप रयान का भी सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं दादा जान, सही है? रयान ने हमारा सर झुकाया नहीं है। उठाया है। उसने हमें बदनाम नहीं किया। उसके साथ मैंने गलत किया और तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छा किया, मगर मैं गलत था, बहुत गलत। सारी जिंदगी मैं एक सांप को दूध पिलाता रहा। यार इन तुम पीठ में चुरा घोंपने वाली हो। हर हाल में तुम्हें जाना है यहां से। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी दादा जान, क्योंकि आपको मेरी हारून के साथ एंगेजमेंट खत्म करनी होगी। इस घर से तो तुम जरूर जाओगी, वो भी हारून से निकाह करके। इज्जत से इस घर से चली जाओगी, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी। अगर मुझे इस घर से निकाला गया तो इस घर को तबाहो बर्बाद करके जाऊंगी नसू आगा। मैं करूंगी, मैं। मुझे धमकी देगी तेरी इतनी हिम्मत? चल अब बता क्या करेगी। बोल, बोलती क्यों नहीं? हमें तबाह करेगी, हमारे घर को तबाह करेगी। बात सुन, जो पागलपन तूने आज तक किया उसे अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त किया, लेकिन आज के बाद तूने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। तो दफन कर दे मुझे फिर, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं रयान को बता दूंगी कि ना तो वो शादोलो खानदान की है और ना ही वो खिजर अंकल की सगी बेटी है, बल्कि ये कि उसे अडॉप्ट किया गया था, बल्कि ये कि उसे अडॉप्ट किया गया था, बल्कि ये कि उसे अडॉप्ट किया गया था।